नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। नवंबर और दिसंबर के महीने में कुल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में राजनीतिक प्रचार प्रसार अपने चरम पर है, साथ ही साथ दुष्प्रचार भी। पुरानी वीडियोस और तस्वीरों को नए दावों के साथ साझा किया जा रहा है। एक ऐसी ही वायरल वीडियो जो 2016 में वायरल हुई थी, उसे फिर से फैलाया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है वीडियो। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक पहले जो फौज में हुआ था, कंचू जम्मू कश्मीर में हुआ था, पीओके में हुआ था, उसके में प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। दूसरा ये 1,000 और 500 के नोट बंद करके जो देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसके लिए सब हाथ खड़े करके समर्थन करते हैं। इस वीडियो को साझा करने वाले फेसबुक फैन पेजेस यह दावा कर रहे हैं कि वीडियो में भाषण देने वाला व्यक्ति कांग्रेस के नेता राकेश मेघवाल है। वीडियो के साथ फैलाए जा रहे संदेश के मुताबिक मेघवाल मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेसी नेताओं ने उनसे माइक छीन लिया। रोहित सरदाना फैंस क्लब नाम के एक फेसबुक पेज ने इस वीडियो को साझा करते हुए एक समान दावा किया। इस पोस्ट को 1,80,000 बार से ज्यादा देखा जा चुका है और 6,000 से अधिक बार शेयर किया जा चुका है। तो क्या वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सही है? क्या कांग्रेस के नेता को मोदी जी की प्रशंसा करने से रोका गया? सच क्या है? राकेश मेघवाल का नाम गूगल सर्च करने पर इस वीडियो से संबंधित कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स मिलती हैं। एबीपी की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जब 2016 में मेघवाल ने यह बयान दिया था, तब वे भाजपा के पूर्व विधायक थे। ये भाषण उन्होंने बहुजन संघर्ष दल नाम की एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में दिया था। यह वीडियो 2016 में भी वायरल हुआ था। एक ट्विटर यूजर ऋषि बागरी, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, उन्होंने भी यह वीडियो साझा किया था। बागरी के मुताबिक ये बीएसपी नेता एक बीएसपी की रैली में जब मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे, उसी वक्त मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहकर उनसे माइक छिनवा लिया। पर जैसा कि हमने बताया कि यह वीडियो में ना ही वो बीएसपी के नेता हैं और ना ही ये बीएसपी की रैली है। सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियोस का उपयोग करके संगठित तरीके से एक राजनीतिक एजेंडे के तहत दुष्प्रचार फैलाया जाता है। ऐसे दुष्प्रचार को फैलाने से बचें।